वो डायलॉग है ना कि मत्था रंग देंगे, एदा मत्था रंग दिता उन्हें। ये वाली चीज़ें आपको सिर्फ कॉलोनी में मिलेंगी, इस तरह की जो है ना डैमेजेस। देखें वैसे तो इसकी आँख बहुत ज़्यादा, उसने बहुत मारा है। ये देखें जी फाइट हुई है, और ये वाइट वाले क्या आँखें हैं, खूनों खून हो गई हैं, नज़र आ रही हैं आपको। ये झूले पर बैठा है, इसकी फाइट बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हुई है कॉलोनी में, और फाइट हुई है वो जो ऊपर वाइट वाला बैठा हुआ है सेकंड पे, ये वाला इसके साथ। इसके साथ इसको भी देख, लेकिन इसकी आंखें खूनों खून हुई हुई हैं दोनों। तो ये वाली चीज़ें आपको केज बाय केज में नहीं मिलेंगी। देखें इसकी भी आंख जो है ना बची है, मुझे लगता है उसकी तो आंख जाया हुई है, ये दोनों ने फाइट की सिर्फ इस मटकी के पीछे। हशर कर लिया इन्होंने अपना एक दूसरे को मार। इसकी तो फिर भी थोड़ी हालत ठीक है, लेकिन ये वाला जो है ना बेचारा, देख वाइट वाला खूनो खून है। ये वाली चीज़ें आपको सिर्फ कॉलोनी में मिलेंगी, इस तरह की जो है ना डैमेजेस। देखें मुझे तो इसकी आँख बहुत ज़्यादा, उसने बहुत मारा है एक दूसरे को, इन्होंने रेड हो गए हैं। देखें तो कॉलोनी में यही डिसएडवांटेज है कि एक दूसरे को ब्रीड नहीं करने देंगे जल्दी, टाइम वेस्ट कराएंगे, और दूसरा जो है ना वो कह लें कि लड़ाई कर करके ना आंखें ज़ाया, और एक दूसरे को मारेंगे सही टका टका। देखें इसका हशर क्या हुआ, ये अंदर था और वो बाहर था। ठीक है, ठीक है, कमला हो गया, सही बॉक्सिंग हुई है इसकी और उसके दरमियान है। जो दूसरा है वाइट वाला ऊपर बैठा है कुजी के ऊपर, किसी को आने नहीं देता इन दो कुजियों में, ये वाली जो दो हैं। ये देखो इसका भी असर, देखो ये वाला है शिकरा, इसकी और उसकी आपस में हुई है फाइट, और ये देखो ये दो दो कवर करके बैठा है, आने नहीं दे रहा। देखो इसके साथ पेंगुइन की फीमेल है, वो घुस गया था इस कुजी के अंदर, इसने फिर मार मार के निकाला है, उसका हशर कर दिया बेचारे का। खैर आँख तो खोल रहा है, लेकिन साइडें जो है ना वो देख लें बेचारे की, बस हो गई हैं। ये देखो लालो लाल हुआ पड़ा है, वो डायलॉग है ना कि मत्था रंग देंगे, एदा मत्था रंग दिता उन्हें दे पंगे लै के, ओह फिर उड़दा फिरदा, फिर किसी को इन्हें कुट खानी आ, फिर उठी आ गया। ठीक है, फिर उठी जाता है उसे कुजी दे, देखा आपने। तो ये देखें बुरा हाल हो गया इसका, बौंदर गया, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ना कि बौंदर गया, तो मार खा खा गए, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा, कह रहा मैंने उस कुजी में जाना है, और अंदर घुसा तो इस दफा उन्होंने इनको मार ही देना है इसको बेचारे को। तो ये वाली चीजें हैं जो कॉलोनी में आपकी ब्रीड को कह लें कि प्रोग्रेस को ख़राब करती हैं, और बर्ड्स की कह लें कि हेल्थ भी ख़राब होती है एक दूसरे से फाइट में। तो ये वाली चीज़ें हैं, लेकिन अब यह है कि केजेस से मैं आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल निकाल रहा हूँ, तो यह है कि वो मुझे केजेस चाहिए थे म्यूटेशंस और गोल्डियन के लिए, जिसकी वजह से कह लें कि मैंने इनको जो है ना वो किया
इस कॉलोनी में सबको। तो ये कुछ पट्ठे हैं और दूसरा जो जिसने इसको मारा है वो पट्ठा है और ये हालांकि बड़ा है, इसको बहुत मार पड़ी है, पट्ठे ने बहुत मारा है। तो चलें होपफुली इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, आंख बच गई है इसकी। और ये है कि ये दोनों ने फाइट की आपस में, देखें वो भी आगे इधर बैठ गए, इन दोनों ने आपस में फाइट की है, देखा है ना, लालो लाल हुए पड़े हैं। इसकी भी आंख थोड़ी सी बची है लेकिन उसका तो अशर हो गया बेचारे का, बहुत मारा है इसने उसे, देखा। तो इसलिए हमारा जो है ना कॉलोनी में एक दूसरे को ब्रीडिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, जहाँ आप केज बाई केज में एवरी मंथ ले रहे होते हो ब्रीड, यहाँ पे दो महीने तीन महीने में चली जाती है। और एवरेज भी कह लें कि आपकी दो तीन दो पे आ जाती है चिक्स पे, क्योंकि इनकोबेट नहीं करने देती ना एक दूसरे को, घुसती हैं मुंह पे बैठेंगी निकल आएगी, वो इनकोबेशन छोड़ देगी, तो जिसकी वजह से कह लें कि कंप्रोमाइज़ होता है सारा ब्रीडिंग प्रोसेस। बहरहाल एनीवे कॉलोनी चल रही है तो लोगों की चलती है, ये देखें जी हारी भी माशाल्लाह चल रही है, दो में चिक्स हैं बाकी में कुछ में अंडे हैं, लेकिन ये चीज़ जो है ना इस तरह की चीज़ें वो कॉलोनी की प्रोग्रेस को बहुत कह लें कि डिक्रीज करती हैं। चलें जी दुआ में याद रखें और अल्लाह ताला आपके आपको और आपके बर्ड्स को सेहत दे, आमीन, अल्लाह हाफ़िज़।